वर्तिका से ऐसा गाना मैंने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. वर्तिका, ऐसा करते हैं पहले जावेद साहब से पूछते हैं व्हाट ही फेल्ट. वर्तिका, आपका हर परफॉर्मेंस इस परफॉर्मेंस से बेटर रहा है अब तक. इसमें एक तो मुझे बात लगी कि आप कुछ एक आर्टिफिशियली एक बेस पैदा करने की कोशिश कर रही हैं जो कि आपकी आवाज़ नहीं है और वो झूठी लग रही है, सही नहीं लग रही. आप तो बड़े सुर में गाने वाली हैं, इतनी ऑफ की कैसे हो गई आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी. शी इज वेरी शाय एंड सिंपल पर्सन एज शी सेड बिफोर. आज का गाना जो था ना, बहुत ही यानी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड इन द सॉन्ग, वो बिल्कुल मिसिंग था. यू नीड टू डेवलप योर ओन स्टाइल. मुझे तो लगता है कि इनका स्टाइल है, बिल्कुल इनका स्टाइल है, उसे इन्होंने आज छोड़ा. लेकिन इस गाने में बिल्कुल यानी कि जी बिल्कुल, शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली टुडे, बट Nevertheless, that doesn't mean she's not a good singer. ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल संगीत का दीवाना. मुझे अभी तक याद है कि मैं 1978 में बॉम्बे आया था और उसी ईयर में फिल्म लगी थी डॉन. कल्याण जी भाई रिहर्सल कर रहे थे आशा जी के साथ और मैं वहाँ भी था, और रिकॉर्डिंग रूम में भी जब मैं गया तो आशा जी गा रही थी. ऐसा गाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको. आप में वो बात है लेकिन दिल नहीं लगाया गाने में. एकदम चिपक के सुर के साथ एकदम मस्ती में गाना चाहिए था. ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना यार का परवाना. आप समझ रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.